ओ माय गॉड, ये किसने सोचा था कि भाई एक हॉरर कॉमेडी मूवी इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और इतनी हिस्ट्री क्रिएट कर देगी, किसी ने इमेजिन नहीं किया था। और भाई इसके साथ अगर 8 मूवीज क्या 200 मूवीज रिलीज हो जाती फिर भी इतना कलेक्शन करती कि लोगों ने सोच भी नहीं पा रहे थे यार। अब भी आप लोगों को बता दूं, एक सपने सा लग रहा है क्योंकि स्त्री 2 ने जो कमाल किए हुए, चाहे पठान हो, जवान हो, वॉर हो, एनिमल हो, कोई भी बॉलीवुड की मूवी हो, सबको भाई साहब सुसु फेर दिया उसके ऊपर, क्योंकि इस मूवी ने कमाल ही करके दिखाया है। पहले दिन के अंदर जिस तरीके से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर्स आए, ओ माय गॉड, टोटली आउटस्टैंडिंग यार। इस तरह के नंबर्स मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि साथ में अक्षय कुमार की खेल खेल मूवी रिलीज हुई है, विक्रम सर की मूवी थंगलम भी रिलीज हुई है, मिस्टर बच्चन मूवी रिलीज हुई है, डबल सिमार शंकर रिलीज हुई है, और उसके साथ मैं आप लोग बता दूं वेदा मूवी रिलीज हुई है। इतनी सारी मूवीज रिलीज होने के बाद भी फिर भी ये मूवी पहले दिन पर लगभग लगभग भाई साहब 80 करोड़ तक पहुंची, तो आप लोग इमेजिन नहीं कर पाते कि क्या प्यार मिला है ऑडियंस के। और जब भी आप लोगों को पता है कि भाई ऑडियंस के हाथ में सब कुछ होता है, जिस मूवी को प्यार मिला मतलब सारे रिकॉर्ड खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को बता दूं कि भाई साहब सारी मूवीज की मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने वाला हूं। खेल खेल मूवी ने पहले दिन पर कितना कमाया, वेदा मूवी ने पहले दिन पर कितना कमाया, और स्त्री 2 ने पहले दिन पर और दूसरे दिन पर क्या हंगामा मचने वाला है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लें। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जॉन अब्राहम एक सोलो मूवी लेकर आ जाते हैं जिसका नाम है वेदा। इस मूवी को अच्छे रिव्यू मिले, नेगेटिव रिव्यू मिले, लेकिन फिर भी इस मूवी ने लगभग 8 करोड़ कमाए पहले दिन के अंदर। लेकिन फिर अगर बात करें दूसरी मूवी यानी अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर मूवी, जितनी इतने बड़े बजट की मूवी, और आप लोगों को मैं बता दूं कि भाई इस मूवी ने पहले दिन के अंदर 6 करोड़ कमाए, और क्या ही कलेक्शन है यार। अक्षय कुमार के इतने बुरे दिन आ गए कि भाई 2 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ कमा रहे, अब क्या भाई अब यही दिन देखने पड़ रहे थे। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपनी मेघना मोपस मूवी की तरफ। तो भाई साहब स्त्री 2 ने लगभग लगभग 76 करोड़ कमाए हैं उस मूवी ने। ओ माय गॉड, ये सुनकर भी भाई साहब लोग हिल जाते हैं कि इतना कलेक्शन कोई हॉरर कॉमेडी मूवी कर सकती है, क्योंकि एक्शन मूवी भी नहीं है भाई साहब, इतना कलेक्शन करना इम्पॉसिबल सा बन जाता है। और फिर इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे दिन की, तो दूसरे दिन पर इस मूवी ने तहलका मचाना शुरू ही किया, खत्म नहीं किया भाई साहब, लगभग 50 करोड़ प्लस आ रहा है। जी हाँ, 50 करोड़ से ज्यादा ही दूसरे दिन पर नंबर आ रहे हैं, और ये आप लोग इमेज नहीं लगा सकते कि भाई साहब तीसरा सीधा ही आप लोगों को 200 करोड़ के क्लब में एंटर होने वाली ये मूवी हो जाएगी। आप लोगों को क्या लग रहा है भाई साहब ये लाइफ टाइम इसका क्या कलेक्शन होगा, और ये मूवी आगे जितने रिकॉर्ड करती जाएगी इसको तोड़ेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है। क्योंकि खेल खेल और वेदा मूवी तो भाई साहब हट जाने वाले, ये 50 और 100 तक ही मे भी पहुंच पाए, क्योंकि अब सारे स्क्रीन जो है वो स्त्री 2 को ही मिलने वाले। तो यहां से अंदाजा हो जाता है कि स्त्री 2 का लेवल भाई साहब अब जो है ना हॉरर सिनेमेटिक यूनिवर्स जो है अब टॉप लेवल पर जा चुका है, इंडिया का सबसे बड़ा होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी ने अपनी एक न्यू रूट पैदा की है, तो भाई इसको अभी कौन संभालेगा, क्योंकि जो भी यूनिवर्स की मूवीज आएंगी उनके ऊपर बहुत अभी प्रेशर है कि भाई इस तरह के नंबर तोड़ पाना वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। अभी स्त्री 3 आएगी शायद वो भी तोड़ पाए, लेकिन अभी इम्पॉसिबल है यार।